गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अपने दोस्त और कलीग से मिलाने वाला हूं जो गल्फ में रह रहे हैं और वो गल्फ से रिलेटेड जो जाने में परेशानी होती है दोस्तों, आप लोग को किस तरीके का समस्या का सामना करना पड़ता है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन सवाल सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इम्पोर्टेड इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने कलीग के साथ, दोस्त के साथ जो अभी अच्छे खासे मतलब काम कर रहे हैं गल्फ में। और आपको नॉलेज बहुत जरूरी है दोस्तों, पहले नॉलेज लेना गल्फ जाने से पहले आपको बहुत लेना जरूरी है दोस्तों, नॉलेज लेना ही चाहिए। तो चलते हैं सर की तरफ और जो भी सवाल हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जो दोस्तों सवाल किए हैं और कमेंट भी करते हैं और साथ साथ बजाबते मेल भी करके पूछते हैं बहुत सारे सवाल, तो मैं पूछेंगे उनसे बारी बारी से। तो पहले हम देख लेते हैं और सर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर आप लोग थोड़ा सा मतलब हमारे जो व्यूअर है उनको थोड़ा सा नॉलेज दीजिए और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे, बट अभी थोड़ा सा अपना परिचय देके थोड़ा सा जो भी हम व्यूअर हमारे बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल से इनको बताइए आप थोड़ा सा। तो गल्फ के लिए सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, अगर गल्फ जाने का आपने इरादा किया है तो गल्फ के लिए सबसे पहले अपने इरादे को मजबूत के लिए कर लीजिए कि हमें गल्फ में काम करना है। और उसके लिए आपको तैयार रहना है कि थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी इंटरव्यू के दौरान, आपको इंटरव्यू पास करना है, इंटरव्यू के दौरान आपको परेशानियों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। आप पहले इंटरव्यू में हो सकता है आप पास ना करें, दूसरे इंटरव्यू में पास ना करें, तीसरे में पास करें, तो इसके लिए आप अपनी उम्मीद और अपने होप को आप ना खोएं। इसलिए कि आपको इंटरव्यू में एक इंटरव्यू दो इंटरव्यू फेल होगा, उससे आप सीखेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू में सवाल किए जा रहे हैं, तो ये सवाल से आपको और नॉलेज होगी, आप फिर से तैयारी करके फिर से दूसरे इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है गल्फ वाले के लिए कि सबसे पहले वो अपने ट्रेड को चूज कर ले कि उसको कौन से ट्रेड में जाना है, ठीक है, वो कौन से ट्रेड में जाना है। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना है, मैकेनिकल फील्ड में जाना है, या इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में जाना है, या जो भी है फील्ड है आपका वो आप पहले फील्ड कर ले। या आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, आप टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर में जाना चाहते हैं, आपको स्टोर कीपर में जाना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड से आपको, आप एक फील्ड अपने चूज कर लीजिए, पहले अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि मुझे इस फील्ड में आपको गल्फ में जाना है। उस हिसाब से फिर मुंबई में एक पेपर आती है हर सैटरडे और वेडनेसडे के दिन, तो उस वेडनेसडे और सैटरडे को आप वो पेपर लें और उस पेपर में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस भी ऑफिस में जाना चाह रहे हैं वो ऑफिस को आप कोट करें और उस ऑफिस में आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आप जरूर कामयाब होंगे। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू में, आपको पहले इंटरव्यू में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, हो सकता है आपको बोले कि आप फ्रेशर हैं, आप गल्फ रिटर्न नहीं हैं, तो आपको वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आप अपनी, आप निराश ना होए, आप ना उम्मीद ना होए, इससे आपको और सीख मिलेगी और आप आगे चल के और भी अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी कंपनी का ऑफर मिलेगी। तो आप इससे सीखें और इससे आगे बढ़ के एक कदम और आगे जाएं और अपने इंटरव्यू को फेस करें। जितना इंटरव्यू आप फेस करेंगे उतना आपको कामयाबी मिलेगी, उतना आप सीखेंगे और उतना आपके अंदर जज्बा और पैदा होगा और आप और इंटरव्यू के लिए आप तैयार होंगे। तो और अगर फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू दिए, आपने का सिलेक्शन हुआ, अगर कम सैलरी में थोड़ा सिलेक्शन हुआ, तो आप ये ना देखें कि सैलरी थोड़ा कम है तो मैं नहीं जाऊंगा या ये, लेकिन आप क्योंकि अभी बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है मार्केट में, इतना कॉम्पिटिशन हो गया है कि फ्रेशर लोगों को क्लाइंट लेना नहीं चाह रहा है, फ्रेशर देख के उनको पहले ही बायकॉट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको फ्रेशर होके आपको जब अगर जहां पे अगर 10 रिक्वायरमेंट है तो वहां पे अगर 8 गल्फ एक्सपीरियंस को ले रहा है तो 2 फ्रेशर को जरूर लेंगे। तो उस 2 फ्रेशर में आप अपने आप को मन में ये ठान लीजिए कि 2 फ्रेशर में मुझे आना है, तो वो आपको लेंगे और आपको लेने के थोड़ी कम सैलरी होगी, अब मुश्किल नहीं है, आप उसमें जाएं 1 साल 2 साल काम करें, उसके बाद आप रिटर्न आए और रिटर्न आके फिर अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें जहां आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपके मन मुताबिक सैलरी मिलेगी। जी दोस्तों, तो आपने देखा सर की बातों को, पूरी एक एक बातों को सुनिए क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट दोस्तों और एक एक बात आपको काम आने वाली है, क्योंकि जो भी गल्फ जाते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर ने बताया दोस्तों कि जब आप गल्फ जाते हैं या फिर मतलब इंटरव्यू के लिए ट्राई करते हैं तो आप जो भी ट्रेड के लिए ट्राई करते हैं दोस्तों, तो आपका जो भी मतलब ट्रेड है यानी कि आपका जिस चीज में इंटरेस्टेड है उस चीज में आपको अप्लाई करना है, उस चीज में आपको काम करना है दोस्तों। तो आप सर की बातों को समझिए एक एक बातों के। और हमारे जो दोस्तों सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, जो बहुत सारे और भी क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि सर फ्रॉड जो एजेंसी है, फ्रॉड एजेंसी है, उससे कैसे बचें और मतलब उससे कैसे मतलब छुटकारा पाएं और उससे
उसका जो जाल में जो फंस जाता है आदमी लोग, उसका जाल में ना फंसे और अच्छा से अच्छा कंसल्टेंट के थ्रू हम गल्फ जा सके, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिए हमारे व्यूअर को, जो काफी हेल्पफुल हो सकता जी, है। जी, आप मैं बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, क्योंकि देखिए गल्फ ज्यादातर लोग वही लोग जाते हैं जो ज्यादा वो विलेज से गांव से रिलेटेड होते हैं। जी जी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं वो लोग गल्फ जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए नौकरी वही जरिया है, और गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए नौकरी, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी किसी तरह का कल कारखाना नहीं है, तो वहां पे लोगों को जॉब का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो लोग गल्फ आकर ट्राई करते हैं। तो आप लोगों को जो भी गल्फ वाले लोग को गांव सीधे साधे लोग को कुछ एजेंट गांव में रहते हैं जो बोलते हैं कि मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, 70,000-80,000 दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा गल्फ, तो इस वजह से लोग क्या होता है गल्फ जाने के लिए, अब पहला बात ये उसको आदमी गल्फ जाने के लिए वो अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन उनका पैसा लेकर भाग जाते हैं लोग एजेंट। तो आप किसी भी तरह से एजेंट के चक्कर में ना पड़े, एजेंट से आप दूर रहें, और आप मुंबई जाएं। मुंबई में बहुत सारे ऑफिसेस हैं जो आपको वहां रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, जैसे हुआ एशिया पावर हुआ, इंटरनेशनल ओवरसीज हुआ, ये कुछ ऑफिसेस हैं जो लिस्टेड हैं गवर्नमेंट से, और वो ऑफिसेस आपको 100% जेन्युइन काम करके देगी, और इससे आप आंख बंद करके आप इससे काम करवा सकते हैं। तो एक पेपर आता है मुंबई को हर सैटरडे और वेडनेसडे के दिन, असाइनमेंट अब्रोड टाइम, तो उस पेपर को लें, उस पेपर को आप पढ़ें, उसमें आपके जो ट्रेड है उस ट्रेड के हिसाब से आप इंटरव्यू अटेंड करें, आप जरूर कामयाब होंगे। चलिए, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं, तो दोस्तों इस बातों को आप केयर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा जब आप अप्लाई करते हैं या फिर मतलब ट्राई करते हैं। दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि मतलब गल्फ में जो है कौन सी पोस्ट के लिए आप अच्छे रहते हैं दोस्तों, अच्छी सैलरी मिलती है कौन सी पोस्ट के लिए, और किस तरीका से मतलब फ्लाइट किया जाता है, उससे टोटल जो जानकारी दोस्तों आपको शेयर करने वाले हैं इन सब चीजों को लेकर। तो सर उनको थोड़ा बताइए कि मतलब कौन सा पोस्ट बढ़िया है और सैलरी कितनी ज्यादा ट्रेड में, कौन सा ट्रेड में अच्छी रहती है। पोस्ट तो अब आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होती है, पोस्ट आप कितना है ये आपके डिपेंड करता है कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो इंजीनियर की सैलरी मिलेगी, अगर आपने डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है तो आईटीआई के हिसाब से आपको टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। ये डिपेंड अपॉन द आपके ट्रेड पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेड पे आप जाना चाह रहे हैं। तो सैलरी का एक वो कैटेगरी है, अगर आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है तो आपको फ्रेशर है तो आपको सऊदी में 1500 रियाल, 1200 रियाल या 1300 रियाल आपको देंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको 3000-4000 रियाल से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो वो एक कैटेगरी है जो हर कंपनी के अलग अलग रेट है, तो उस पर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितने आपको देगी, वो आपके ट्रेड के हिसाब से तय होती है। सर, और फ्रेशर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फ्रेशर जो बनते हैं हमारे सब्सक्राइबर बहुत सारे बोलते हैं फ्रेशर जॉब अपलोड करो, तो दोस्तों जॉब है बहुत रियर कंडीशन में वो जॉब मिलते हैं, तो सर से उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं और सर अपने बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे कि किस तरीका से मतलब आप जो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं वो पहुंचे हैं, और भी थोड़ा डिटेल्स बात करेंगे, फिलहाल इस चीज को लेकर बात कर लेते हैं सर से। देखिए, फ्रेशर के लिए थोड़ी परेशानी होती है, ये मैं देखा हूँ, अपने आंख से देखा हूँ, मैंने भी खुद झेला है फ्रेशर के लिए, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मुंबई में मैंने ट्राई किया था, मुंबई में जब गया था तो मुझे 3 से 4 महीने लग गए थे मुझे सिलेक्शन करवाने में, और अभी तो और कंपटीशन हो गया है। तो आप ऐसा नहीं है कि अभी सिलेक्शन फ्रेशर का नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। तो वो क्या है, आपको कोशिश करना है, आप उनको जहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत ज्यादा ज्यादा तादाद में लोगों को ले जाती है, तो वहां आपको फ्रेशर को आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप आपको फ्रेशर के लिए आप ये ना हो कि फ्रेशर है तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, फ्रेशर है तो उसको ही सिलेक्शन होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ ज्यादा लोगों की जरूरत होती है वो लोग आपको हायर कर ले। दोस्तों, और भी सवाल आते हैं तो बोलते हैं बहुत सारे ईमेल करके कि सर मेरा पासपोर्ट फंस गया है आप निकलवा दीजिए, या फिर बोलते हैं कि वो एजेंट रख लिया है, तो दोस्तों आप उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी सर ले लीजिए कि पासपोर्ट को किस तरीके से यूज करना चाहिए और उसका तरीका क्या है, तो आप सर पासपोर्ट का तो वही है, पासपोर्ट देखिए आप, पासपोर्ट आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसे आप मिस किसी को ऐसे शख्स को ना दें जो एजेंट है जो बोलता है कि मैं दीजिए मुझे पासपोर्ट मैं आपको गल्फ भेज दूंगा,
कि आप मुझे इतना 10,000 रुपया दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, मैं आपको करता हूँ, ऐसे लोगों को आप पासपोर्ट कभी ना दें। हाँ, जो ऑफिस में है, ऑफिस के रजिस्टर्ड ऑफिस है, उन लोगों को पासपोर्ट आप आंख बंद करके दे सकते हैं, वो पासपोर्ट आपका कहीं नहीं जाएगा। और पासपोर्ट के साथ वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, जिस रिसिप्ट आपका एक आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपका पासपोर्ट उस ऑफिस में जमा है। और एजेंट को अगर आप पासपोर्ट देते हैं तो वो आपको ना प्रूफ देते हैं ना कुछ देते हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है कि आपने एजेंट को पासपोर्ट दिया है। तो इसी वजह से पासपोर्ट जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आप एक जजमेंट ऑफिस जो है, जेन्युइन ऑफिस, आप उसी को दें। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन पर दबाकर ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का और भी जो गल्फ जो है दोस्तों, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज वीडियो आपको मिले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चाहते हैं तो जो भी दोस्तों परेशानी दिक्कत होती है गर्भ से रिलेटेड, क्वेश्चन जो भी आपका मन में आता है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।